हीरो ब्राइन, जीरो ब्राइन, इसको कैसे भी करके यहाँ से भागने बिल्कुल भी मत देना। ओ माई गॉड, जीरो ब्राइन तो चमगादड़ बन गया। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ तो माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी ताकत हीरो ब्राइन और डार्क हीरो ब्राइन की बहुत ही खतरनाक वाली फाइट हुई थी, क्योंकि असल में डार्क हीरो ब्राइन हम लोगों को इस वर्ल्ड से निकालना चाहता था। लेकिन इतने में वहां पर एक मोब आ जाता है जो दिखने में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, और उसको देखकर डार्क हीरो ब्राइन तुरंत वहां से भाग गया था, बिकॉज वो बड़ा आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। और इतने में वो एक जंगल की तरफ चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम लोग काल को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हमें वो बूढ़ा आदमी मिलता है और उसने हमें कहा कि प्लीज तुम लोग अपने दोस्त जिन को बचा लो, क्योंकि स्टीवा ने मेरे घर पर हमला कर दिया है और वो तुम्हारे दोस्त जिन को बहुत मार रहा था। और स्टीवा वही था जिसको देखकर डार्क हीरो ब्राइन भाग गया था। लेकिन इतने में जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, तो ना ही वहां पे जिन था और ना ही जीरो ब्राइन। और फिर हीरो ब्राइन को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बड़ा आदमी जिन को लेके जंगल की तरफ ना गया हो। तो हम लोगों ने उसका पीछा किया और इतने में जीरो ब्राइन वहां पे आ जाता है। हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन को इस वर्ल्ड के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तो फाइनली गाइस, हम लोगों ने स्टीवा को चारों तरफ से घेर लिया है और अब उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, बिकॉज सामने की साइट माइनक्राफ्ट की दो सबसे बड़ी ताकत हीरो ब्राइन एंड जीरो ब्राइन उसके सामने है। अब आएगा मजा। लेकिन यार दिक्कत वाली बात ये है गाइस कि ये जाइंट स्टीवा अभी भी हम लोगों को नहीं बता रहा कि इसने हमारे दोस्त जिन को कहाँ पे छुपा रखा है। आप लोगों को तो यार पता होगा कि लास्ट एपिसोड में इसने हमारे घर पे हमला कर दिया था और उस टाइम पे हम में से कोई भी घर पे नहीं था। उस बात का फायदा उठा के ये हमारे दोस्त जिन को पता नहीं कहाँ पे ले गया। डेविड, मेरा वो स्टॉर्म ब्रेकर मुझे दे दो। लगता है गाइस मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा हीरो ब्राइन एंड जीरो ब्राइन की मदद करने के लिए। बापरे गाइस, ऐसा लगता है कि जीरो ब्राइन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये जो बंदा है ना जाइंट स्टीवा, ये हम लोगों को अभी भी नहीं बता रहा कि इसने हमारे दोस्त जिन को कहाँ पे छुपाया है। क्या पता वो जिंदा भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दरिंदा उसको जिंदा खा गया हो। अगर ऐसी बात हुई ना गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हीरो ब्राइन इसके पेट में से जिनको निकाल लेगा, क्योंकि हीरो ब्राइन की कुछ ऐसी पावर्स हैं जो अभी भी आप लोग नहीं जानते। लेकिन सबसे पहले हमें कैसे भी करके इसको काबू में करना पड़ेगा, जो कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हीरो ब्राइन एंड जीरो ब्राइन दोनों मिलके भी इसको काबू नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसकी हाइट बहुत ही बड़ी है। तो यार काफी टाइम हो चुका है। एक मिनट, हीरो ब्राइन, ऐसा लगता है हीरो ब्राइन अपनी कोई स्पेशल पावर यूज करने वाला है गाइस। ओ माय गॉड, फाइनली गाइस हीरो ब्राइन ने अपनी भीम वाली पावर से उसको फ्रीज कर दिया। अरे भैया हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रही कि हम लोग करें तो क्या करें। ऊपर से मेरे पास वो जो लाइटिंग पावर थी ना, जो डेविड ने मुझे दी थी, वो भी मैंने डेविड को वापस कर दी, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि ये लाइटिंग पावर आप डेविड को वापस कर दीजिए और बदले में अपना स्टॉर्म ब्रेकर लीजिए। तो डेविड को मैंने बोला तो है कि मुझे अपना स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए, अभी डेविड ने कुछ भी बताया नहीं गाइस। और ऊपर से ये फाइट हो चुकी है, तो जीरो ब्राइन संभल के। एक मिनट गाइस, लगता है मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्मोक जीरो ब्राइन ने कर लिया है उसको, मतलब नजर ना आए चकमा देने के लिए जाइंट स्टीवा को। और ऐसा हो सकता है कि उसको स्मोक के अंदर कुछ भी नजर ना आए और इसी बात का फायदा उठा के हम लोग। भाई कितनी ज्यादा स्मोक कर दी। एक मिनट, जीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन, तुम जीरो ब्राइन के साथ रहना गाइस। ऐसा लगता है कि जीरो ब्राइन या फिर जाइंट स्टीवा ने एक दूसरे को जकड़ लिया है। अरे एक मिनट, जीरो ब्राइन क्या हुआ और ये भाग क्यों रहा है?
गाइस लगता है कुछ तो हुआ है, ये जायंट स्टीवा एकदम से यहाँ से जा क्यों रहा है। हीरो ब्राइन उसको पकड़ो, अगर वो भाग गया तो हम लोग अपने जिन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे यार। उत्तरी, ये जीरो ब्राइन क्यों बैठ गया? बाप रे, ऐसा लगता है गाइस उसने जरूर जीरो ब्राइन को कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गया, और हीरो ब्राइन भी जायंट स्टीवा को छोड़ के वापस अपने भाई जीरो ब्राइन के पास। जीरो ब्राइन, क्या तुम हमें देख पा रहे हो? ये तुम्हारा भाई हीरो ब्राइन है और साथ में ये डेविड और मैं हूँ। अरे बाप रे गाइस, जरूर कुछ ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, पता नहीं जीरो ब्राइन को क्या हो गया और वो देखते ही देखते यहाँ पे चमगादड़ बन चुका है। हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है, इतनी ताकतवर मोब देखते ही देखते चमगादड़। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने भाई जीरो ब्राइन को ही लपेट ले। ऐसा लगता है कि जायंट स्टीवा ने इसको काटा है जिसकी वजह से ये चमगादड़ बन गया। अब क्या होगा? हीरो ब्राइन थोड़ा पीछे हटो क्योंकि इसके पास बापरे गाइस, जीरो ब्राइन तो देखते ही देखते ड्रैगन की तरह बन चुका है और उसने अपने भाई हीरो ब्राइन पर तो गाइस अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है, बहुत ही बड़ी, क्योंकि जीरो ब्राइन खुद यहाँ पे चमगादड़ बन चुका है और उसका नतीजा क्या हो सकता है आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट के जितने भी एंटिटी या फिर मॉब्स या फिर इंसान हैं वो सारे चमगादड़ बन जाएं। हमें कैसे भी करके जीरो ब्राइन को रोकना पड़ेगा बिकॉज इस टाइम पे वो अपने होश में नहीं है, मतलब वो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बन चुका है और वो पहले क्या था। अब देखना ये है कि भाई ये तो हम लोगों पर हमला भी कर रहा है। देखने वाली बात ये है कि हीरो ब्राइन अपने भाई जीरो ब्राइन को कैसे रोकेगा। जीरो ब्राइन, क्या तुम हम लोगों को पहचान पा रहे हो? मैं हूँ मिरानी और साथ में तुम्हारा प्यारा भाई हीरो ब्राइन जिसने तुम्हें एक नया जीवन दिया था। लेकिन नहीं यार, जीरो ब्राइन को ऐसा लगता है कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि हम लोग कौन है और वो कौन था। बस वो हम लोगों से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। वो हम लोगों को मार भी तो सकता है ना, लेकिन इससे अंदाजा होता है कि उसके माइंड में कुछ पुरानी ऐसी सोच होगी जिसकी मदद से उसको मालूम होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं उसके मतलब अपने हैं, जिसकी वजह से वो हमें मार नहीं रहा। लेकिन फिलहाल के लिए तो उसके ऊपर एक चमगादड़ हावी हो चुका है। ऐसा लगता है हमारी गैंग को किसी की नज़र लग चुकी है, क्योंकि गाइस यार देखो, जब भी हम लोग किसी एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किल पता नहीं कहां से आ जाती है, और दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी। बस यार अब हम लोगों से नहीं होगा, ऐसा लगता है कि हम लोगों को सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से तो कई गुना ही वो ठीक रहेगा हम लोगों के लिए। सोचा था न्यू वर्ल्ड में जाएंगे, वहाँ पे अपने बड़े बड़े फार्म बनाएंगे, हीरो ब्राइन के साथ जीरो ब्राइन के साथ मजे करेंगे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि हमारे पुराने वर्ल्ड से भी ये वाली एंटिटी SMP ज़्यादा खतरनाक होगी। अरे बाप रे, ये एक बार दोबारा से गाइस बन चुका है जीरो ब्राइन चमगादड़, और दिक्कत वाली बात ये है कि चमगादड़ बनने के साथ साथ जीरो ब्राइन के अंदर कुछ ऐसी पावर्स भी आ चुकी हैं जिनकी मदद से वो ड्रैगन की तरह भी बन सकता है। भाई अभी तो इसके सामने हम लोग हैं ना, तो ये हम लोगों पर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा, क्या पता किसी और पर इसके अंदर कैसी कैसी पावर्स होंगी। और इसके सामने अगर कोई और बंदा आएगा तो क्या जीरो ब्राइन उसको छोड़ेगा? मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि गाइस जब हीरो ब्राइन एंड जीरो ब्राइन जायंट स्टीवा से फाइट कर रहे थे तो वो दोनों उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे थे? शायद उसकी हाइट बहुत बड़ी थी इसीलिए। क्या ही बढ़िया बात होती कि अगर हम लोग अपने साथी जायंट एलेक्स को भी साथ लेके आते तो वो जायंट स्टीवा का लगता है डेविड अपना भाषण सुनाने वाला है, दोबारा से कुछ बोलना चाहता है। इससे पहले कि जीरो ब्राइन कोई गलत कदम उठाए, हीरो ब्राइन अपनी पावर्स की मदद से जीरो ब्राइन को ट्रैप कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि जीरो ब्राइन की हालत और भी खराब हो जाए,
हमें तुरंत उस बाबा जी के पास चलकर उनको बताना चाहिए। अरे बाप रे, तो गाइस हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को कभी अपने जीरो ब्राइन के साथ ऐसा करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो चुकी है गाइस, बहुत ही दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि डेविड ने हम लोगों को कहा कि फिलहाल के लिए हीरो ब्राइन को अपने भाई जीरो ब्राइन को ट्रैप कर लेना चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो डेविड की ये बात बहुत ही बढ़िया है, और मैं पहली बार डेविड को इस बात के भाई पूरे 10 में से 10 देता हूँ। क्योंकि देखो यार गाइस, इस टाइम पे जीरो ब्राइन अपने होशो आवास में बिल्कुल भी नहीं है, और वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कौन था और वो क्या कर रहा है। और इस हाल में आप लोगों को पता है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और मान के चलो अगर किसी भी टाइम हम लोगों के सामने काल आ गया, और वो जरूर आएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो भी एंटिटी या फिर मोब आता है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। अब देखो हमारे सामने अगर काल आ गया और जीरो ब्राइन भी उसके सामने आ गया तो वो जीरो ब्राइन को लपेट देगा गाइस, क्योंकि काल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और जीरो ब्राइन अपने होश में नहीं होगा। तो इसीलिए हीरो ब्राइन ने भी डिसाइड कर लिया है कि हमें कैसे भी करके फिलहाल के लिए जीरो ब्राइन को कहीं पे ट्रैप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर ये जीरो ब्राइन ठीक कैसे होगा और इसका हल क्या। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे सामने की साइट आप लोग देख ही सकते हो कि हीरो ब्राइन ने अपनी फायर वाली पावर यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दी है। और इस पावर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही सेंसिटिव पावर है गाइस हीरो ब्राइन की, और ये हीरो ब्राइन इसको तब यूज करता है जब किसी बंदे को किसी एक जगह पे मतलब जाम करना होता है, ब्लॉक करना होता है, और वो बंदा वहां से हिल ना पाए। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि हीरो ब्राइन ने अपने भाई जीरो ब्राइन के आसपास ही ये फायर पावर लगा दी है। अब जीरो ब्राइन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक हीरो ब्राइन नहीं चाहेगा। और अभी तो ये केज भी बना रहा है भाई साहब, डेविड अब क्या होगा? ऐसा लगता है जीरो ब्राइन को बहुत ही गुच्छा आ रहा होगा भाई, लेकिन हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है ना यार, क्योंकि जीरो ब्राइन अभी अपने अब मैं क्या बोलूँ यार। तो ओके यार, फिलहाल के लिए कैसे भी करके जीरो ब्राइन ने अपने भाई को बंद कर दिया है, और वो फायर पावर हटा के यहाँ पे रेड स्टोन लगा दिया है जीरो ब्राइन के, मतलब जीरो ब्राइन को यहाँ पे बंधा हुआ रखने के लिए, बल्कि ये हीरो ब्राइन की पावर से आप लोग इसको बोल सकते हो। तो जीरो ब्राइन यहाँ पे अब महफूज है, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक हीरो ब्राइन नहीं चाहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हीरो ब्राइन बेचारा बहुत ही सैड है। हीरो ब्राइन, हम लोग तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, हर बार तुम्हें अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आती। ओह, तो गाइस फिलहाल के लिए तो हीरो ब्राइन मुझे बोल रहा है कि तुम तुरंत जाओ यहाँ से, निकलो मतलब उस बाबा जी के पास जिसने हमें काल के बारे में बताया था, और लास्ट एपिसोड में जिसने हमें बोला था कि तुम अपने साथी जिन को बचा लो क्योंकि स्टीवा ने हमारे घर पर हमला कर दिया है। तो गाइस अभी के लिए तो उस बंदे को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि जिन को ले जाने के बाद उस जायंट स्टीवा ने हमारे साथी जीरो ब्राइन को भी काट लिया, और उसके काटने के बाद हमारा साथी जीरो ब्राइन एकदम चमगादड़ बन गया भाई। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या वो बूढ़ा बंदा हमारी मदद कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा तो इसके बाद गाइस इस वर्ल्ड की भी तबाही और तबाही होगी। उसके बाद हीरो ब्राइन के गुस्से को भी कोई नहीं रोक पाएगा, और ऊपर से काल भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो मैं उस एरिया में पहुंच चुका हूं जहां पर ये बंदा हमें मिलेगा। अब पता नहीं यहां भी एक रेड कलर का एंटिटी या फिर मोब बैठा होता है। ओह, वो रहा गाइस, सामने की साइट आप लोग देख ही सकते हो। अब इसको कैसे बुलाऊं मैं, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ी सी भी गलती मैं कर बैठूँगा तो किसी को अगर मालूम हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पे गाइस सामने की साइट आप लोग देख सकते हो ना, ये वाला रेड कलर का मोब पिछली बार जब हम आए थे तो ये चेयर के ऊपर बैठा था, और पता नहीं अब ये नीचे क्यों बैठ गया है। ऐसा लगता है ये भी बहुत ही ताकतवर है। तो गाइस यहाँ पे रात हो चुकी है, मैंने काफी टाइम वेट करा, अभी भी वो बूढ़ा आदमी फाइनली इसने मुझे देख लिया। गाइस बाबा जी प्लीज यहाँ पे आइए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अरे ऐसा लगता है ये जानबूझ के ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि कोई भी इसके ऊपर शक ना कर पाए,
क्योंकि अगर तो गाइस किसी को भी पता चल गया कि ये बंदा हम लोगों के साथ बातचीत करता है और हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर हैं, तो पता नहीं क्या होगा। तो फिलहाल के लिए ये तो हमारी तरफ आ चुका है। बाबा जी पहले आप मेरी बात सुनिए, इस टाइम हम लोग बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, प्लीज बाबा जी। वो जो बड़ा आदमी था ना स्टीवा, जिसके बारे में आपने हमें बताया था, उसने हमारे साथी जीरो ब्राइन को काट लिया और वो चमगादड़ बन गया। इस टाइम पे आपकी मदद की बहुत जरूरत है हम लोगों को, और मेरे दोस्त हीरो ब्राइन ने ही मुझे आपके पास भेजा है आपको वहां पर लेके जाने के लिए, ताकि आप देख पाए और हमें बता पाए कि आखिर जीरो ब्राइन को क्या हुआ। अरे तो फाइनली गाइस बाबा जी ने अपनी पावर्स की मदद से मुझे यहाँ पे और अपने आप को टेलीपोर्ट कर दिया। और बाबा जी ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा दोस्त जीरो ब्राइन और हीरो ब्राइन का भाई, इसकी हालत तो देखो बाबा जी, आप देख सकते हो ना, इसी तरीके से ये चमगादड़ बन जाता है और इसके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं। पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। जब से हीरो ब्राइन एंड जीरो ब्राइन ने वो बड़े आदमी जायंट स्टीवा को पकड़ने की कोशिश करी थी और उसने हीरो ब्राइन के भाई जीरो ब्राइन को काट दिया, उस टाइम के बाद से ये चमगादड़ बन जाता है। ओ लगता है बाबा जी हीरो ब्राइन को बुला रहे हैं, क्या होगा। हीरो ब्राइन क्या हुआ, अरे भाई कुछ तो बोलो। ओ माय गॉड, लेकिन ये कैसे होगा बाबा जी। तो यार गाइस लोग कितनी खुदगर्ज होते हैं ना, वो लोगों की कमजोरी से कितना जल्दी फायदा उठाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये बाबा जी भी हमारी कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को कहा कि मैं बिल्कुल जानता हूं कि तुम्हारा साथी जीरो ब्राइन ठीक कैसे होगा और उसका इलाज क्या है, लेकिन वो बताने से पहले तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। क्योंकि जब तुम लोग इस वर्ल्ड में पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तो तुम्हें देखने के साथ ही मुझे मालूम हो गया था कि जस्ट तुम ही वो लोग हो जो मेरी मदद कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे इस मुश्किल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी तुम्हें इस वर्ल्ड में कोई बड़ी दिक्कत होगी तो मैं इसके बदले में तुमसे अपना वो काम करवाऊंगा, उसके बाद ही तुम्हारी वो प्रॉब्लम दूर करूंगा। तो इसीलिए गाइस इस बंदे ने हम लोगों को कहा कि अगर तुम लोगों ने टाइम पर अपने साथी जीरो ब्राइन को ठीक नहीं किया, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो तुम्हारा साथी जीरो ब्राइन भी उस बड़े आदमी जायंट स्टीवा की तरह बनता जाएगा, मतलब वो भी उसकी तरह भैरूपिया बन जाएगा। और गाइस इस बंदे ने हम लोगों को बताया कि अगर तुम लोग ये सब रोकना चाहते हो और अपने साथी को ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे बीवी बच्चों को और मेरे बेटे को मतलब छुड़वाना पड़ेगा। और गाइस इस बंदे का कहना है कि वो जो रेड कलर का आदमी था ना, जिसके पास मैं रहता हूँ, और मतलब उस दिन भी तुम लोगों ने मुझसे पूछा था उसके बारे में कि वो रेड कलर का आदमी कौन है जिसके पास तुम काम करते हो, तो मैंने तुम्हें उस टाइम पे नहीं बताया था उसके बारे में, क्योंकि मैं जानता था कि ये सही टाइम नहीं है। और गाइस अब इस बंदे ने उसके बारे में हमें बताया कि असल में वो एक किंग है और उसने मेरे परिवार वालों को किसी वर्ल्ड के अंदर ट्रैप कर दिया है, और इसीलिए मैं उसकी गुलामी करता हूँ। अगर मैं उसके पास काम नहीं करूँगा तो वो मेरे परिवार वालों को ख़त्म कर देगा, और उसमें मेरा बेटा भी है। तो अगर तुम उस किंग की कैद से मेरे परिवार वालों को छुड़वा के लाते हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा साथी जीरो ब्राइन कैसे ठीक होगा, इसका पूरा तरीका मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और गाइस हीरो ब्राइन भी एकदम तैयार है कि वो अपने भाई जीरो ब्राइन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये है कि हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि इसके परिवार वाले लोगों को कहा। बाबा जी हम लोग एकदम तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आपके परिवार वालों को उस किंग ने कहाँ पे छुपा रखा है। ओह ये क्या है भाई साहब, ये दो बोतलें और इनका नाम है टेलीपोर्ट वाटर। ओ ये क्या बाबा जी, ओ लेकिन ये कैसे होगा। तो गाइस बाबा जी ने हम लोगों को बोला कि जैसे ही एक बोतल तुम और एक तुम्हारा दोस्त हीरो ब्राइन पिएगा, अरे ये गायब कैसे हो गया हीरो ब्राइन। ये लो इनमें से एक बोतल तुम्हें पीनी पड़ेगी और एक बोतल मुझे।
इसको पीने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि इसके परिवार वाले कहाँ पे रहते हैं। तो गाइस असल में बात ये है कि जैसे ही हम लोग इस पोशन को पिएंगे तो असल में हम लोग किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और उस बंदे ने हम लोगों को कहा कि वहाँ पर तुम लोगों को एक बिल्डिंग मिलेगी जिसके अंदर मेरे परिवार वालों को उस किंग ने कैद कर रखा है, और उस बिल्डिंग पर जाने से पहले तुम्हें एक रफ वर्ल्ड से गुजरना पड़ेगा बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पे पकड़े जाते हो तो वो लोग पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें वहाँ पे बंद भी कर सकते हैं या फिर अपने बॉस के सामने पेश भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे ही तुम इस पोशन को पियो और एक रफ वर्ल्ड की तरफ टेलीपोर्ट हो जाओ तो तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ जाना पड़ेगा। आगे तुम लोगों की मर्जी है, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरा ये काम करना चाहो तो कर सकते हो, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम्हारा साथी जीरो ब्राइन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अदरवाइज मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए गाइस हीरो ब्राइन ने यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया डेविड को यहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि एक बंदा जीरो ब्राइन के साथ रहना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए डेविड यहाँ पे जीरो ब्राइन की रखवाली करेगा और हम लोग इस पोशन को पी के सीधा जाएंगे उसके परिवार वालों को बचाने के लिए। तो क्या हीरो ब्राइन तुम तैयार हो? एक बार दोबारा भी सोच लो, यहाँ पे कुछ भी हो, लगता है हीरो ब्राइन ने वो पोशन पीना शुरू कर दिया, मुझे भी पीना पड़ेगा। उत्तरी, अरे हीरो ब्राइन ये हमारी हालत कैसी हो चुकी है, और ये मेरे पास ये आर्मर कैसा है? भाई साहब मेरी पूरी इन्वेंट्री यहाँ पे खाली हो चुकी है, जस्ट मेरे पास शील्ड, टॉर्च और आर्मर, उसके बाद मेरे पास एक सॉर्ड है। भाई ये कैसी दुनिया है और कहाँ पे हम लोग टेलीपोर्ट हो चुके हैं? लेकिन यहाँ पर एक दरवाजा है, हीरो ब्राइन संभल के। बाप रे, यहाँ पे एक चेस्ट भी है जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। भाई अभी के लिए हीरो ब्राइन रुको, हम लोगों को एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पर बहुत ही खतरा है। सामने की साइड एक और भी दरवाजा है, और हीरो ब्राइन ऐसा लगता है कि सोच रहा है कि इसको ओपन करना चाहिए कि नहीं। भाई अगर हम लोग यहाँ पे पकड़े गए ना तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कभी भी वापस से अपने वर्ल्ड में ना जा पाएं, और पीछे से हमारे दोस्त जिन एंड जीरो ब्राइन की जान बहुत ही बड़े खतरे में है। गाइस जिन की जान तो बहुत ही बड़े खतरे में है, पता नहीं वो जिंदा भी होगा कि नहीं, या फिर उस मतलब वो जो बड़ा आदमी था ना जाइंट स्टीवा, उसने जिनको खा ना लिया हो। बस एक बार हम लोग कैसे भी करके इस बाबा जी के घर वालों को आज़ाद करवा लें, उसके बाद वो। अरे 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 यहाँ पर भी कोई नहीं है, पता नहीं समझ में नहीं आ रही ये कैसी दुनिया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा। गाइस लगता है आगे चल के देखना पड़ेगा। हीरो ब्राइन प्लीज तुम सावधानी के साथ चलना और चौकन्ने रहना, ये हमें फंसाने की कोई प्लानिंग भी हो सकती है। ओके तो यहाँ फाइनली यहाँ पे एक स्केलेटन टाइप कुछ था, तो मैंने इसको टपका दिया, और दूसरी साइड भी बंदे हैं हीरो ब्राइन, वहां पे देखो आवाजें भी आ रही हैं कुछ ना कुछ। अरे भैया यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर कुछ बूट्स वगैरह भी हैं, और इतना काम का सामान तो नहीं है गाइस, ऐसा लगता है इसको नहीं छेड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे हीरो ब्राइन के पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा मुझे। अरे यहाँ पे दरवाजा ओपन था, हीरो ब्राइन यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक दरवाजा खुला हुआ था, इसके अंदर देखो, क्योंकि पहले हीरो ब्राइन जाएगा उसके बाद ही मैं उसके पीछे जाऊँगा। जस्ट अरे यहाँ पे बुक है गाइस, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली बुक थी ना। अरे भाई इतनी सारी जेल टाइप कुछ बना हुआ है यहाँ पे। ओ अरे ओ माय गॉड हीरो ब्राइन, तो गाइस हीरो ब्राइन ने भी नोट कर लिया और मुझे भी याद आ गया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने हमें बताया था, मतलब बाबा जी ने? देखो, उसने हमें कहा था ना कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें एक बिल्डिंग मिलेगी जिसके अंदर मेरे परिवार वालों को किंग ने छुपा रखा है, और उस बिल्डिंग से पहुंचने से पहले तुम्हें एक रफ वर्ल्ड से गुजरना पड़ेगा। और गाइस, ऐसा लगता है कि वो वाली बिल्डिंग यही है जो इस पेंटिंग में हमें दिखाई दे रही है, और वो रफ वर्ल्ड ये वाला है फिलहाल के लिए जहाँ पर हम लोग हैं। अरे भैया, अभी तो हम लोग पता नहीं कैसे दरवाजे से बाहर निकल आए हैं, और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं गाइस। अभी हम लोगों को बस ये देखना है कि वो वाली बिल्डिंग आखिर हम लोगों को कहाँ मिलेगी जहाँ पर उस बूढ़े आदमी की फैमिली को उस किंग ने छुपा रखा है। बस एक बार वो हमें मिल जाए ना भाई। सामने की साइड एक महल टाइप है, क्या पता वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। हीरो ब्राइन, पहले देखना वहाँ पर कोई बंदे ना हो। ओके ओके भाई, ऐसे ऐसे जा रहे हैं जैसे हम लोग कोई बहुत ही बड़े डाकू हो। यहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा क्या? और यहाँ पे ब्रेड तो मिला मुझे खाने के लिए, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सुबह से कुछ नहीं खाया भाई। और इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा लगता है कि हमारी बाकी चीजें अलाउ नहीं है, जस्ट मुझे एक सॉर्ड दी गई है और आर्मर, और ऐसा लगता है कि हीरो ब्राइन अपनी सारी पावर्स को भी यूज नहीं कर पाएगा इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन एक मिनट, ये कैसी जगह है? ये तो कोई महल लगता है हीरो ब्राइन, लेकिन संभल के, यहाँ पर दोनों दरवाजे गाइस लॉक्ड हैं, और अभी फिलहाल के लिए नीचे की साइड एक दरवाजा है जिसको हीरो ब्राइन ने ओपन कर लिया। ओह हीरो ब्राइन, वो देखो सामने की साइड, यहाँ पे कुछ लोग हैं, लेकिन ये लगता है गाइस इसी रास्ते से हम लोगों को सामने की साइड जाना पड़ेगा। अब दिक्कत की बात ये है कि सामने की साइड दो लोग हैं, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। हीरो ब्राइन, अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा लगता है इनको लपेटना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पीछे से कोई ना आ जाए यार, जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकते। ओ माई गॉड, हीरो ब्राइन, ये लोग कौन है? तुम कौन हो? अरे बाप रे बाप, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो बूढ़े आदमी ने गाइस हम लोगों को कहा था कि अगर वहाँ पर तुम लोग पकड़े गए तो वो तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए बंद कर देंगे। अरे भैया, तुम लोग कौन हो? हम लोगों से क्या चाहते हो? यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। लेकिन आखिर हम लोगों ने किया क्या है? तुम लोग कैसे हमें पकड़ सकते? सॉरी यार, गलती से लग गई, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम गलती से यहाँ पे आए हैं। हर बंदा यहाँ पर आने के बाद यही कहता है कि मैं गलती से यहाँ पे पहुँचा हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सारे वेपन्स और आर्मर्स हमारे हवाले कर दो। समझ में नहीं आ रही गाइस, मैं करूँ तो क्या करूँ? हमें आर्मर्स और शील्ड और सॉर्ड इनके हवाले करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो ये हम लोगों को यहाँ पे बंद कर देंगे, वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। और आई थिंक हीरो ब्राइन ने भी अपनी सॉर्ड इनके हवाले कर दी होगी। तो क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? क्योंकि सारे वेपन्स तो हमने आपको दे दिए। चुपचाप चलो यहाँ से, चलो मेरे पीछे। लेकिन एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? हीरो ब्राइन प्लीज तुम भी मेरे साथ आओ, मैं अपने दोस्त को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए, हटिए यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। नहीं, ये ले, ये ले, ये ले।